हेलो रियन, वेलकम है एपेक्स इंस्टीट्यूट के जी क्लास में। सो आज घास वर्दी का नेक्स्ट एस्पेक्ट स्टार्ट करते हैं। आज मैं ट्रायलॉजी आपको पहले बता दूंगी, फार साइड सागा की जो थ्री ट्रायलॉजीज आई थी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नॉट वेस्टिंग सिंगल टाइम। फार साइड सागा फर्स्ट ट्रायलॉजी, इनकी फर्स्ट ट्रायलॉजी क्या थी? देखो, इनकी जो फर्स्ट ट्रायलॉजी थी उसमें थ्री नॉवेल्स और दो इंटरल्यूड्स थे। इंटरल्यूड क्या होते हैं? दो नॉवेल को मिलाने वाले, ठीक। पहले तो इसको नोट कर लेते हैं। थ्री नॉवेल्स और टू इंटरल्यूड्स, ठीक। अब थ्री नॉवेल्स इसमें कौन कौन से थे? पहला आया 1906 में, पहला था 1906 का द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। इसके बाद इनका इसी में दूसरा नॉवेल कौन सा था? 1920 में आया इन चैंसरी, इसी सीरीज का दूसरा नॉवेल था 1920 का इन चैंसरी। बहुत ध्यान से समझना इसको। अब इन दोनों प्लेस के बीच में एक इंटरल्यूड हुआ। एक इंटरल्यूड कौन सा आया? पहला इंटरल्यूड आया इंडियन समर ऑफ अ फार साइट, इंडियन समर ऑफ अ फार साइट, ठीक। ध्यान समझो, 1906 में पहला नॉवेल आया द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1920 में आया द इन चैंसरी। इन दोनों के बीच का जो इंटरल्यूड था वो आया इंडियन समर ऑफ अ फार साइट। ये किस ईयर में आया? ये 1918 में आया, ठीक। इसके बाद इनका तीसरा नॉवेल आया यहाँ पे 1921 में, टू लेट आया तीसरा प्ले। और इन दोनों के बीच का जो इंटरल्यूड था, दूसरा इंटरल्यूड अवेकनिंग, अवेकनिंग, और ये कब आया? 1920 में, ठीक। ये फॉर जेड सागा की फर्स्ट ट्रायलॉजी थी। 1906 में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1920 में इन चैंसरी। इन दोनों के बीच को जो कनेक्ट किया इंटरल्यूड ने, इंडियन समर ऑफ अ फॉर साइड 1918 में आया, फिर 1921 में आया टू लेट, और इन चैंसरी और टू लेट को ऐड किया अवेकनिंग में 1920। पहली ट्रायलॉजी कंप्लीट, नोट दैट। इसके बाद हम दूसरी ट्रायलॉजी समझते हैं। दूसरी ट्रायलॉजी का भी भाई यही हिसाब किताब था। सेकेंड ट्रायलॉजी में भी थ्री नॉवेल्स और दो इंटरल्यूड्स थे, ठीक है। और इस ट्रायलॉजी का नाम था अ मॉडर्न कॉमेडी, मॉडर्न कॉमेडी, ठीक। अब इसकी नॉवेल्स कौन कौन से थे इसको नोट करिए। पहले आया द वाइट मंकी, द वाइट मंकी। इसके बाद इनका दूसरा नॉवेल आया इसमें द सिल्वर स्पून, द सिल्वर स्पून। और इन दोनों के बीच की जो पहला इंटरल्यूड था, ठीक है, इन दोनों प्लेस को, सॉरी नॉवेल्स को ऐड किया इंटरल्यूड ने अ साइलेंट वूविंग, अ साइलेंट वूविंग, ठीक।
इसके बाद इसका थर्ड नॉवेल जो था वो क्या था, थर्ड नॉवेल था स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग और इसके बीच का इंटरल्यूड था, कनेक्टर था पासर्स बाय। ठीक, अब इनके ईयर देख लेते हैं। ईयर देखिए इनका, पासर्स बाय लिखी गई 1927 में। ठीक, जो इसका लास्ट इंटरल्यूड था वो 1927 में लिखी गई। साइलेंट वूविंग, साइलेंट वूविंग लिखा गया 1927 में। ठीक, ये दोनों इंटरल्यूड 1927 में लिखे गए। द वाइट मंकी ये लिखा गया 1924 में। द वाइट मंकी 1924 में। स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग लिखा गया 1928 में। इसके बाद द सिल्वर स्पून लिखा गया आपका, द सिल्वर स्पून, एक सेकेंड, सिल्वर स्पून लिखी गई 1926 में। ठीक, इसको समझ लो ठीक से। सेकेंड ट्रायलॉजी अ मॉडर्न कॉमेडी, अभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कितने ईयर में कंप्लीट हुई, तो 1924 से 1928 तक। ठीक, फर्स्ट नॉवेल द वाइट मंकी 1924, सेकेंड द साइलेंस सिल्वर स्पून 1926, इन लोगों के भी, इन दोनों के बीच का इंटरल्यूड अ साइलेंट वूविंग 1927, स्वान सॉन्ग 1928 और इनका इंटरल्यूड पासर्स बाय 1927। ये सेकेंड ट्रायलॉजी थी। ठीक है, कम टू द थर्ड ट्रायलॉजी। थर्ड ट्रायलॉजी देखिए इसमें क्या था। ठीक, थर्ड ट्रायलॉजी द फॉरसाइट सागा ये कंप्लीट हो गई। अब ये कंप्लीट हो गई पूरी, द फॉरसाइट सागा 19, ये था द एंड ऑफ द चैप्टर, सॉरी ये थी द एंड ऑफ द चैप्टर। मतलब तीनों जिसने लास्ट था ये ट्रायलॉजी, यहाँ से सागा परिवार का पूरा लास्ट दिखाया गया था। ठीक है, द एंड ऑफ द चैप्टर। अब इसमें कौन कौन सी नॉवेल इंटरल्यूड, देखिए इसमें इंटरल्यूड्स नहीं थे, इसमें तीन नॉवेल्स थी। कौन कौन सी थी, पहली नॉवेल थी मेड इन वेटिंग। ये कब आई, 1931 में। ठीक, इसका दूसरा नॉवेल था फ्लोरिंग विल्डरनेस। ये कब आई, ये आई 1932 में। और इसका तीसरा नॉवेल था ओवर द रिवर। ठीक है, इसका थर्ड नॉवेल था ओवर द रिवर जो आया, ओवर द रिवर ये आया 1933 में। ठीक, मेड इन वेटिंग 1931, फ्लोरिंग विल्डरनेस 1932, ओवर द रिवर 1933। और एक चीज़ याद रखिए, ये इनका पोस्थ्यूमस पब्लिश हुआ, इट वॉज पब्लिश्ड पोस्थ्यूमस 1934 में। क्या पब्लिश हुआ था पोस्थ्यूमस, ये एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो थ्री ट्रायलॉजी है। नाम क्या था, पहली ट्रायलॉजी द फॉरसाइट सागा 1922, मॉडर्न कॉमेडी 1924 से 28 के पीछे 1928 माना कंसीडर किया गया, एट द एंड ऑफ द चैप्टर 1934 पोस्थ्यूमसली। ठीक, ये इनके कुछ वर्क्स थे, ये फॉरसाइट, ये सागा था पूरा
और सागा में मतलब सागा परिवार है, उसमें पहले में क्या हुआ, फिर उसको दूसरे में उनके बच्चों की शादी दिखाई गई, लास्ट में फिर उनके पूरी फैमिली का दिखाया गया, ये सब चीज़ें थी इसमें। ठीक है, चलो अब कुछ इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पढ़ लेते हैं। आप चाहो तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स लिखवा दूँ, अदरवाइज़ फिर मैं ऐसे ही कुछ करवा दे रही हूँ इसमें, है ना, या फिर देख रहे हैं अच्छा क्या कराते हैं इसमें। एक पॉइंट और लिख लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझको, मैंने इसमें नहीं मेंशन किया, वो उनकी लाइफ से रिलेटेड था। ठीक है, अब कल से इनके प्लेस वगैरह स्टार्ट करते हैं, हम पूरा प्ले नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ जो इसकी बायोग्राफी है प्ले की उसी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए लास्ट 7 ईयर्स, फाइनल 7 ईयर्स जब ही लिव्ड, लास्ट 7 ईयर्स वो अपनी एज मतलब अपनी लाइफ के जो उन्होंने लास्ट 7 ईयर्स थे वो उन्होंने कहाँ स्पेंड किए, ये क्वेश्चन आ सकता है। एट बरी इन, अब ये बरी प्लेस कहाँ था, वेस्ट ससेक्स। ठीक, एट बरी इन वेस्ट ससेक्स, ही डाइड फ्रॉम अ ब्रेन ट्यूमर एट हिज लंडन होम ग्रोव लॉज। He died at his London home. अब home का क्या था, Grove Lodge Hampstead. ठीक है, Grove Lodge Hampstead। ठीक है, सो गर्ल्स वर्दी से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मुझे लगा मैंने आपको करा दिया। अब कल से इनका प्लेस, वर्क्स, नॉवेल्स, स्टोरी शॉर्ट जो भी है उसकी सिर्फ बायोग्राफी कराएंगे, बाकी अदर कुछ नहीं। ठीक, बाकी आपको स्टोरीज आती हैं, यूट्यूब में बहुत से वीडियोस पड़े हैं, आई एम श्योर आपने उनको भी देख रखा होगा, सिर्फ बायोग्राफी पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर।